हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं कॉलेज की, दैट इज आपको प्राइवेट कॉलेज है वेस्ट बंगाल का, दैट इज आपको मेघनन सहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चले तो किन किन पॉइंट्स पे बात करेंगे अपन इस वीडियो में, चलिए प्रोसीड करते हैं वीडियो को जी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल जाके आप ज्वाइन हो जाना, बिकॉज जितने भी अपडेट्स हैं आपको वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा सर? ये आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, जाके जल्दी से ज्वाइन हो जाना, बिकॉज जितने भी अपडेट्स हैं सभी मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, सो कौन कौन के पॉइंट पे बात करेंगे इस वीडियो में, तो ओवरव्यू पे बात करेंगे कॉलेज की, कनेक्टिविटी, कोर्सेज ऑफर्ड, मोड ऑफ एडमिशन, कट ऑफ फीस, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे पॉइंट को कवर करेंगे तो वीडियो हो सकता है लेंथी हो जाए, तो प्लीज छोड़ के मत जाना भी। इससे पूरा वीडियो देखना, पसंद है तो लाइक कर देना। ठीक है, चले सो ओवरव्यू की बात करें तो कॉलेज आपका प्राइवेट है। ओके, प्राइवेट कॉलेज है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको 2001 है, तो पुराना कॉलेज है, 20-22 साल पुराना कॉलेज हो चुका है। ठीक है, अब बात करें कहां पे है ये कॉलेज, तो रूबी जनरल हॉस्पिटल इसका नियर बाई है। ठीक है, मतलब इसी के पास में कॉलेज है। अगर बात करूं तो बिहाइंड उर्बना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आनंदपुर में ये कॉलेज है, कोलकाता में कॉलेज है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अच्छा एफिलिएशन बात करूं तो एफिलिएशन इसको मकाउट से मिला हुआ है और ये टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर आता है। आपको पता है टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, जैसे नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन है, मेन सेल्टेक है, ये सभी टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर आते हैं। ठीक है, तो उसमें से MSIT भी एक है, मेघनन सहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर ही आता है। ओके, अब कैसे जा सकते हैं इस कॉलेज में, तो 19 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हावड़ा से है, हावड़ा रेलवे स्टेशन से, 10 किलोमीटर ये सील्डा रेलवे स्टेशन से है। ओके, और 21 किलोमीटर बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, तो जो एयरपोर्ट है उससे भी 21 किलोमीटर पे ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। नियर बाई बस स्टैंड की बात करूं तो रूबी हॉस्पिटल बस स्टेशन और मुकुंदपुर बस स्टेशन, तो अगर आप बस से ट्रेवल कर रहे हो तो ये दो नियर बाई बस स्टेशन आप याद रखना। ठीक है, यहां पे आपको जाना है। ओके, और यहां से कॉलेज पास में ही है। ओके, अब मोड ऑफ एडमिशन पे बात करते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज का सेम ही है कहानी, 80% सीट आपको WBJEE से फिल किया जाएगा, तो WBJEE आपका मेजर एग्जाम होता है। ओके, और बाकी जो 10% सीट्स हैं आपको वो मैनेजमेंट कोटा से, और 10% सीट्स आपको JEE मेन से फिल किया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा सीट्स रहती नहीं है, अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो नीचे दिए हुए नंबर पे, स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर लेना हमें। ठीक है, या फिर आप गूगल फॉर्म भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके फिल कर लेना। ध्यान रहे दो गूगल फॉर्म है, एक पेड काउंसलिंग का, एक मैनेजमेंट कोटा एडमिशन का, अलग है। काउंसलिंग आपको रैंक के बेसिस पे कॉलेज दिलवाएंगे, और मैनेजमेंट कोटा आपको रैंक पीछे चला गया तो डायरेक्ट एडमिशन करवाएंगे कॉलेज में। ठीक है, उसके लिए अलग गूगल फॉर्म है, या फिर डायरेक्टली नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, चले सो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करेगा ये बीटेक के लिए, तो बीटेक के लिए बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहां तक तो ठीक है, ईसी भी ठीक है। ठीक, बट स्पेशलाइजेशन में सुन लेना, डेटा साइंस, AIML, CSBS कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इतने सारे स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस इसके अंदर प्रेजेंट है। कोर ब्रांचेस में ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 कोर ब्रांचेस, दैट इज आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, अच्छा अब जल्दी से इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो मान के चलो अगर आपका रैंक 25K के अंडर है ना, तो CSE आपको मिल जाएगा इस कॉलेज में, 33K के अंडर है तो IT मिल जाएगा इस कॉलेज में। TFW वाले वीडियो पॉज करके देख लेना, 12K तक रैंक रही, GMR की रैंक, TFW की रैंक नहीं, 12K तक अगर आपका रैंक रहा तो CSE मिल जाएगा, नियर अबाउट हाफ होता है आपको। ठीक है, और CSE AIML की बात करूं तो आप देख सकते हो, बाकी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस की देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा कटा पीछे रहता है, तो CSE IT ले लेना इस कॉलेज के अंदर, सही है। ठीक है, फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो 92,000 इसका फर्स्ट सेमेस्टर का फी है, ये 2023 का फी है। इसके पहले भी मैंने MSIT का रिव्यू किया था, बट उसमें जो डेटा थे वो पिछले साल के थे। ठीक है, ये 2023 का डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा टोटल 4 साल की फी की बात करूं तो 6,25,000, लास्ट ईयर 5.5 था, इस साल 6.25, मतलब 6.25 हो गया लाख। ठीक है, तो थोड़ा सा फी इंक्रीज हुआ है। अच्छा अब प्लेसमेंट की बात कर लेता हूं, तो हाईएस्ट पैकेज 32 LPA, ओके, और एवरेज, ऑन एन एवरेज बात करूं तो 4 LPA। ठीक, तो प्लेसमेंट में भी इंप्रूव कर रहा है, उतना भी अच्छा कॉलेज नहीं मैं बोलूंगा प्लेसमेंट के लिए, लेकिन इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा Amazon यहाँ पे इन्होंने गलती से मेंशन कर दिया, Microsoft भी गलती से मेंशन कर दिया, इतनी ये कंपनीज नहीं आती इसके अंदर, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बट Infosys, TCS, IBM और यहाँ पे देख सकते हो Virtusa, Dell
और यहाँ पे एसेंचर, विप्रो, ये सभी कंपनी, कॉग्निजेंट, ये सभी यहाँ पे आती हैं, ठीक है, और सच में आती हैं, ठीक, जो नहीं आना था वो मैंने आपको क्रॉस कर दिया, ठीक। तो आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनीज आती है इस कॉलेज के अंदर, और हाईएस्ट पैकेज क्या है, ओवरऑल पैकेज क्या है, ठीक है, एवरेज पैकेज क्या है, ठीक। एक बार मैं ग्राफ से आपको दिखा देता हूँ, ओवरव्यू बता देता हूँ इस कॉलेज के प्लेसमेंट, क्योंकि प्लेसमेंट ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, ठीक। तो 467 जॉब्स ऑफर किया ये कॉलेज, 200 से ज्यादा कंपनीज आई हैं इसके अंदर, 32 LPA आपका हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज मैंने बता दिया, बाकी 48 स्टूडेंट्स को ना 6 LPA से ज्यादा का पैकेज लगा है, ठीक है, 6 LPA से ज्यादा का पैकेज लगा, मतलब आपके अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो मान के चलो कि 6 लाख से ज्यादा की पैकेज लग जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ग्राफ भी यहाँ पे है कि सीएससी का क्या प्लेसमेंट है, देखो आईटी का सबसे ज्यादा है, ठीक है, हालांकि सीएसआईटी का दोनों का सेम ही प्लेसमेंट होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आप देख सको अच्छे से क्या प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए मूव करता हूँ आगे, फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करता है कॉलेज, तो लाइब्रेरीज, सॉरी, इसके लैब्स वेल इक्विप्ड है, लाइब्रेरी है इसके अंदर बिल्कुल, वाईफाई भी, वाईफाई कनेक्शन भी है लाइब्रेरी के अंदर, हॉस्टल फैसिलिटी भैया इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट, ओके। स्पोर्ट्स एंड फेस्ट की बात करें तो परिधि इसका एनुअल टेक्निकल फेस्ट है, कल्चरल फेस्ट भी इसके अंदर आता है, ठीक है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करूं तो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी आउटडोर स्पोर्ट्स और इंडोर स्पोर्ट्स प्रेजेंट है, उतने अच्छे नहीं है लेकिन प्रेजेंट है, ओके। अच्छा, ये कल्चरल फेस्ट की कुछ इमेजेस है, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, ठीक। तो चलिए, उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और एक अपडेट दे देता हूँ, क्या हम लोगों के द्वारा पेड काउंसलिंग, अगर आपको काउंसलिंग का कोई आइडिया नहीं है, WBCI काउंसलिंग का, चॉइस फिलिंग का कोई आइडिया नहीं है, तो कुछ नहीं करना, नीचे जाके गूगल फॉर्म फिल कर लेना, 199 उसका प्राइस है। बहुत लोग कॉल करके भी यही सेम बात पूछ रहे हो, नहीं, ठीक है, वीडियो में मैं इन्फॉर्म कर देता हूं, कुछ नहीं करना आपको, नीचे गूगल फॉर्म प्रेजेंट होगा डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म फॉर पेड काउंसलिंग लिख के, मैनेजमेंट कोटा वाला नहीं, गूगल फॉर्म फॉर पेड काउंसलिंग लिख के आप 199 प्राइस से पेमेंट करना, गूगल फॉर्म सबमिट करना, टीम क्या करेगी आपको, टीम व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देगी, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे सर, यहाँ पे मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ओके। रेगुलर गूगल मीटिंग्स मैं पर्सनली कंडक्ट करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज बेस्ट है, इसके साथ साथ सेपरेट चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंट को उनके रैंक के बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 199 में इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात करें प्रोज और कॉन्स की इस कॉलेज की, तो प्रोज की बात करें जल्दी से, तो प्रोज आपको बात करें तो सीएस रिलेटेड ब्रांचेज जो है ना, जैसे सीएसई हो गया, आईटी हो गया, मैंने आपको अभी दिखाया प्लेसमेंट उसके सही है, ठीक है। बट एमएसआईटी यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिव क्लब्स भी प्रोवाइड करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, फैकल्टीज इसके हेल्पफुल हैं, ठीक ठाक फैकल्टीज हैं, एवरेज मैं बोलूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ बात करूं तो हॉस्टल फैसिलिटी तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसके पास में ही 500 मीटर के ही रेंज में आपको पीजी वगैरह मिल जाएगा रहने के लिए, तो ज्यादा आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा रहने के लिए, ठीक है, पीजी अवेलेबल है, ओके। नेगेटिव पॉइंट के ऊपर बात कर लो सर, नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो स्मॉल कैंपस है, थोड़ा सा आपको कैंपस को लेके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ओके। अच्छा, प्लेग्राउंड और कैंटीन उसके अंदर उतनी अच्छी नहीं है, ओके। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करो तो वो भी नहीं है, और कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट उतनी ही सही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, कोई भी डाउट इसके अलावा रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। दो अपडेट्स, नीचे गूगल फॉर्म होगा, एक काउंसलिंग का गूगल फॉर्म होगा, जाके आप एनरोल हो जाना अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो, और एक डायरेक्ट एडमिशन अगर आपका रैंक बहुत पीछे चला गया है लेकिन फिर भी आप एडमिशन चाहते हो तो कॉन्टेक्ट कर लेना, नीचे दिए हुए नंबर पे, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेलीग्राम चैनल भी जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है, और प्लीज वीडियो को शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।